हे गाइस, दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग हरियाणा बीट्स। तो जी, जल्दी से आज आपके लिए एक सरप्राइज मैं लेकर आया हूं। तो आपको बता दूं कि आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट शो जिसका नाम है जी स्पेशल गेस्ट, और उसमें मैं आपको मेरे उल्टे हाथ पे बड़े सीधे इंसान बैठे हैं। तो चलिए बारी बारी से इन लोगों का इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूं, या ऐसा करते हैं कि इनसे खुद से बुलवाते हैं कि भाई इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैरी सर से। नमस्कार जी, हरियाणा बीट्स देखने वाले सारे भाइयों को, और मैं कह सकता हूँ वीरू की बहनों को भी नमस्कार। और मेरा नाम पैरी है, पैरी फोगाट, रोहतक से हूँ जी, और मैं पेडलर मीडिया में काम करता हूँ। जो वीरू का गाना आया है उसमें एज ए मीडिया पार्टनर मैंने काम किया है, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि वीरू ने मुझे उसमें काम करने के लायक समझा और काम दिया। डिमांड तो ये है कि आगे भी देते रहे वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, हम बाद में चर्चाएं जारी रखेंगे। तो सर आप भी अपना इंट्रो दे दीजिए जरा। जय हरियाणा, जय हरियाणा। मेरा नाम अभिषेक मेहरा और ब्राइट लाइट प्रोडक्शन अपना खुद का इंडिपेंडेंट लेबल है, और एक तरह से स्टार्टअप ही है अपना, पर अच्छा चल रहा है। हमने एक छोटी सी टीम इकट्ठी करी थी, अभी वो सक्सेस के कगार पे अच्छे खासे गाने कर रहे हैं वीरू भाई के, आगे और भी आते रहेंगे। तो चलिए वीरू सर के बारे में आपने अब दो बंदों ने इंट्रो तो करवा ही दिया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्कार जी, हरियाणा बीट देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। और अभी आपके देखा ही होगा आपने गाना है नकली प्यार, और बड़ी मेहनत लगी है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस गाने को प्यार दें और बाकी बातचीत करते हैं बैठ के भाई साहब के साथ। चलिए तो जी, नकली प्यार जो गाना है वो रिलीज हो चुका है, एंड आई विश यू गोना लव दिस वन। और अभी आपको बता दूं कि ये गाना चार्टबस्टर पर बहुत हिट विट वाला भी हो रहा है। तो सर एक चीज़ जानना चाहूँगा वीरू जी आपसे कि कैसा लगा, यानी कि जब आपने गाना साइन किया तो जहन में ना कुछ ख्याल होते हैं कि यार ये गाना मैं करूँ या ना करूँ, है ना, एक एक संयोग सा बन जाता है कि यार चलो फाइनली ये गाना मैंने कर लिया। तो इस गाने का जो भविष्य था वो आप लोगों ने कैसे तैयार किया? ये सर ऐसे है, इसको रेडी हुए ऑडियो को तो काफ़ी टाइम हो गया, बिकॉज पहले कोई और कंपनी भी कर रही थी, और क्योंकि हमारा स्टार्टअप अभिषेक भाई और एड्रे भाई और पैरी भाई इनके साथ ही हुआ है, जी, 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 जी। तो हम रेडी कर लेते हैं ऑडियो वगैरह, तो ये ऑडियो काफ़ी देर से रेडी थी। तो जैसे एक दो कंपनी डन कर भी लिया था, फिर अभिषेक भाई का आया कि यार ये तो मेरे को करना है। तो हम लगभग हमारी करीब 5-6 महीने पहले की ऑडियो रेडी होती है, उसके बाद सोचते विचारते हैं, 5-6 महीने सोचने विचारने में लगते हैं, उसके बाद फाइनल पे आते हैं कि ये करना है। चलिए अब अभिषेक जी से जानते हैं। तो अभिषेक जी आपको कैसा लगा, मीन्स आपने कैसे जहन में आया कि चलो यार मुझे ये गाना मुझे ही करना है? जब इतनी सारी कंपनीज होड़ में होती है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान के जहन में होता है कि यार कि आई शुड डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। तो तब आपको कैसा लगा और क्या मन में आया कि इनके साथ काम करना है? मैं असल में बताऊं तो मैं बड़ी टेंशन में था। किस चीज की? पैसे की? नहीं, पैसे की टेंशन नहीं है इस बंदे को। पैसा बहुत है भगवान की दुआ से, कोई अच्छा गाना नहीं मिला। अच्छा गाना नहीं मिला? हरियाणा इंडस्ट्री में कोई अच्छा गाना नहीं है काफी टाइम से, और आवाज भी इसकी दमदार है। तो मैं घर पे था और इसने मेरे को कुदरती कॉल किया कि यार ये गाना है, तो इसने मेरे को गाना सुनाया। पहली बार में तो मेरे को पसंद नहीं आया, ये अक्सर होता है, सही नहीं लगेगा। ये इनका शुरू का पहली बार में गाना ही पसंद आया। मैं कह यार वीरू अजीब सा गाना है, अरे चलेगा नहीं। तो वीरू का तो चलेगा, अरे तो म्यूजिक तैयार होने दे। तो फिर इसमें म्यूजिक वगैरह तैयार करवाया, मगर यार तो चीज बड़ी सही है। फिर मैंने बोला, मगर वीरू तू मेरे को दे दे यार, मेरे को नहीं पता ये गाना, कैसे भी करके मेरे को दे दे। तो फिर गाना लिया हमने, फिर इसकी प्लानिंग वगैरह करी, म्यूजिक भी दो जगह करवाया, एक जगह से अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं बैठी क्योंकि वो थोड़ा हिप हॉप टाइप जा रहा था, इधर पंजाब में आपको पता है पंजाबी म्यूजिक के साथ सेटिंग बैठती नहीं। तो फिर हमने ये पानीपत करवाया जी आर म्यूजिक, तो वहाँ अपनी सही सेटिंग बैठ गई, म्यूजिक भी बहुत बेहतरीन कर दिया था। फिर आई वीडियो की बारी, वीडियो में तो भाई साहब इतने झमेले हुए हैं, गाना दो बार शूट करना पड़ गया। अच्छा, रीशूट हुआ गाना है? जी, दोबारा शूट करना पड़ गया। ओके, तो बजट काफी बढ़ गया होगा फिर तो? बजट तो इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा, हर तरीके से इस गाने का बजट बढ़ गया। हाँ हाँ, नहीं कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि चीजें टाइम जरूर लेती है, लेकिन वो अच्छी बन जाती है। तो अब जब गाना रिलीज हो रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, इसको वीडियो तैयार होने में पूरी फाइनल, एडिटिंग भी दो बार हुई है, ग्रेडिंग 3-4 बार कर चुके हैं, कैसे इसकी सेटिंग बिठा सकते हैं, काफी चीजें ना कई बार हम मिस कर जाते हैं शूट के टाइम पे ना। चलो अच्छी बात है। अब लेकिन जब चीज आ जाती है बनकर, अब मार्केट में रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, तो पीपल आर सेइंग कि द सॉन्ग इज रियली वेरी गुड, है ना, तो अब वो भी तो लगता होगा ना कि अब भाई यार अच्छा हो गया ना रिस्पॉन्स की। मैं आपको बताता हूँ, रात को ना 3-3 बजे बंदे कॉल करते हैं, भाई ये गाना तो 100 मिलियन जाएगा। अच्छा, बंदे ही कॉल करते हैं? बंदियां नहीं कॉल करती अभी तक? लड़कों का गाने का नाम है,
हो जाते हैं, मतलब आफ्टर पार्टी हाँ जब कार में कारोबार में से निकल कर आते हैं तो ऐसा काम हो जाता है, पीने के बाद ज्यादा कॉल आ रही है। अरे यार भाई ये गाना तो ना बस 20 मिलियन 20 मिलियन 20 मिलियन 100 मिलियन ऐसे आगे आगे पर कुछ आजकल रह रही है। आप इनकी मींस वो टीम देख रहे हैं, आप इनकी वो टीम में हो मींस जो गाने को थोड़ा सा एडवर्टाइज करती हैं, है ना, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा इस गाने को एडवर्टाइजमेंट में लाना या फिर इस गाने को आगे बढ़ाने के लिए, क्या क्या काम किया आपने? देखो मुश्किल तो बहुत आई है और अभी चल भी रही है, क्योंकि अगर हम एडवर्टाइजमेंट के एंगल से देखते हैं तो सबसे पहले होता है कि आर्टिस्ट का फैन जो फैन बेस होता है, तो वीरू भाई का राजस्थान में, अब बट राजस्थान तो बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ तो बल्कि फायदा है। सर फायदा है, मेन प्रॉब्लम सुनो, हमने गाना रिलीज किया उसी दिन सुबह 4 बजे राजस्थान की गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया 2 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने थोड़ी और स्ट्रेटेजी बनाई, जैसे आजकल डिजिटल मीडिया हो रहा है, रील्स हो रही हैं, डिजिटल मीडिया हो रहे हैं, तो मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ फोन जिनसे हमने रील्स की बात करी, जो एक एजेंसी है तो कि चलो आपके साथ मिलके करते हैं, तो क्या हुआ कि उनका कॉल आता है, हमने पेमेंट डाल दी, कॉल करके कहते हैं कि ब्रदर मेरी ग्रैंड माँ थी जो एक्सपायर हो गई, काफी मतलब यानी कि आपके इस गाने का बजट रोज ही रोज बढ़ रहा है। सबसे जो मेजर इशू है अभी एज मैं देखता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से कर सकते हैं, तो हमने फिर गूगल एड्स पे किया। बिल्कुल, अब क्या है कि 2 महीने के लिए गूगल एड्स भी बंद है, ओके, इंडिया का हम टारगेट कर ही नहीं सकते, ओके, और अब वीरू को रशिया में टारगेट करके तो हमें भी क्या फायदा। अभी तक जितना भी जा रहा है ऑर्गेनिक जा रहा है, चलो नहीं अच्छी बात, अच्छी बात है। ऑर्गेनिक का एक फायदा होता है कि आपको ना ये भी पता लगता है कि आपकी ट्रू फैन बेस वैल्यू कितनी है, कितने गाने, वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है ना। बट लेकिन एक बात है कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री में नंबरिंग गेम ज्यादा चलता है, वो हर जगह लेकिन मैंने देखा है कई गाने ऐसे हैं जैसे 52 गज का दामन गाना अब 1 बिलियन क्रॉस कर गया, लेकिन एक टाइम में वो पहले 2 महीने वो भी इतना नहीं चला था, वो भी थोड़ा कम था, लेकिन जैसे ही कोई शादियों का सीजन आया, जैसे ही साल के एंड में, वैसे भी हरियाणवी गाने मैंने देखा है कि साल के एंड में थोड़े ज्यादा अच्छे आते हैं, तो वो फिर ग्रो ये गाना चल जाए। हाँ। नहीं नहीं आई विश की जब शादियों का तो सीजन आ गया, लास्ट में शादियों का सीजन हो जाता है, तो उस वजह से हमें भी रहता है कि हाँ अब गाना चलेगा। हाँ बिल्कुल, और वीरू भाई मेरे को बता रहे थे कि रात को ही कॉल आया कि यार बैरी अब कर रहे हैं काम, पर यूट्यूब पे हमें वो जो हम सोच रहे हैं हाँ, जो देखना चाह रहे थे मतलब वो मिल नहीं रहा यार। इंस्टाग्राम के मतलब क्या होता है कि एक गाना जब चलता है तो इधर से भी लोग उठा लेते हैं, इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं, तो मैंने दिखाया उन पेजेस पे लाख लाख व्यूज हो रखे गाने, किसी पे लाख हो रखे, किसी पे 1.5 लाख हो रखे, पर जो नहीं मोर ओवर ये कि आजकल ये नहीं सोचना चाहिए कि यूट्यूब पे गाना चलेगा तभी चलेगा, और भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं भी चल सकता है गाना, तो वो तो स्पॉटिफाई पे काफी स्पॉटिफाई पे बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग हो रही है गाने की। पर वो है ना कि जैसे अभिषेक भाई हो गए, ये हमें पूछते हैं यार यूट्यूब का, वो एक होता है कि वहाँ हमने वीडियो पे जो मेहनत करी ना, वो उसका थोड़ा 3 बार ग्रेडिंग हुई है, 2 बार शूट हुआ है, तो ये तो है, ये तो रिस्पॉन्स की थोड़ा सा रहता है, पर होपफुली चलिए। हाँ नहीं विश ये करेंगे कि आपका गाना बहुत अच्छा चल रहा है, डोंट वरी। एक चीज और पूछना चाहूंगा वीरू सर आपसे कि जब ये गाना शूट हो रहा था, यानी कि जब इस गाने को आप बना रहे थे, तो कोई ना कोई चीजें ना जहन में होती है, कोई अच्छा काम भी होता है, कोई यादें होती हैं हर किसी गाने के साथ, तो इस गाने के साथ आपकी कोई ऐसी याद, कभी आप लेट आ गए हो सेट पे और आपको डांट वांट पड़ गई हो, कोई ऐसा कुछ हुआ हो? तो डांट पड़ना तो नॉर्मल बात है, ये तो कोई वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप हुआ है, भाई लोगों के साथ ही हुआ है, ठीक है। तो अगर कहीं जैसे पहले का गाना था वहां पे ये चीजें अलग होती हैं, क्योंकि जिनके साथ हम शुरू हुए हैं वहाँ तो ऐसा सीन नहीं, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर भी होता है ना कि हमने स्टार्ट लिया इनसे। हाँ, क्योंकि अगर इधर भाइयों के साथ काम कर रहे हैं तो अगर शूट 10 को है तो 8 को ही चले जाते हैं हम लोग, वहाँ पे चलता रहता है, तो इतना कोई सीन नहीं है। नहीं, क्या चलता क्या रहता मतलब जैसे जैसे कोई और बंदा मैं एक सलाह देना चाहूंगा भाई, भाई थोड़ा सब तो को अरे नहीं नहीं इट्स ओके फाइन, नहीं वी आर जस्ट आई जस्ट वांट कि हम, मुझे ये लगता है कि जितना अच्छे तरीके से बात हो ना वो ज्यादा बढ़िया रहता है, एज अ फ्रेंड अगर हम बात करें तो देट वुड बी रियली वेरी गुड। चलो एक चीज ये मुझे अभी कह रहे थे पीछे कि अभी इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना कि जब ये स्टार बन जाएंगे तो हमें भूल तो नहीं जाएंगे, मैंने कहा वो तो ऑलरेडी स्टार है, किसको आप इनको भूल तो नहीं जाओगे? कौन है? वही कर दियो नहीं, ये भाई हैं भाई, इन लोगों को नहीं भूल सकते, क्योंकि शुरू भी इनके साथ हुए और खत्म भी इनके साथ ही होना है,
तो ये तो अभी खत्म ही ना सोच नहीं एक टाइम तो सबका आता है देखो एक टाइम तो देखो सबका आता है हाँ, अभी स्टार्टअप है जो शुरू हुआ है उसका एंड भी होएगा इसमें कोई वो नहीं है। गुरु जी आप एक सवाल पूछ सकते हैं? नहीं आप पूछ लो सर अगर आपने पूछ लिया आप मेरे थ्रू से मतलब आप सीधा पूछिए आप हाँ नहीं आप पूछोगे तो जी नहीं बता दीजिए मुझे मैं पूछ लेता हूँ पूछिए कि जो नकली प्यार जो गाना लिखा था हाँ हाँ तो वो एक एक लाल रंग का एक वो होता था इनके पास हाँ गिफ्टेड चीज थी हाँ अच्छा अच्छा यानी कि ये दिल जला टाइप गाना भाई साहब के दिल टूटने के बाद लिखा गया है टेडी बियर को सामने दिल तो राग हो रखा है दिल तो राग हो रखा है चलो कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है आप टेंशन मत लो जिंदगी में ना कोई तो होगा जो आपको भी टूट कर चाहेगा नहीं सर देखो जिंदगी में जो होता ना अच्छे के लिए होता हाँ बिल्कुल और एक राइटर बंदे को तो ये चाहिए और एक आर्टिस्ट और राइटर तो वैसे भी हाँ। तब बनता है जब उसका दिल टूटा हो नहीं क्योंकि दिल एक लड़की तोड़ के जाएगी वो दोस्त भी तोड़ सकते हैं वो घर वाले भी तोड़ सकते हैं वो कोई भी है ठीक है जरूरी नहीं कि लड़की तोड़ के जाएगी ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है इनका लड़की नहीं तोड़ा होगा हम अपनी हरियाणा बीट्स की जनता से पूछ सकते हैं ना कि आपको क्या लग रहा है दिल हाँ बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं इनका दिल जनता बता सकते हैं कि इनका दिल लड़की ने तोड़ा है या घर वालों ने तोड़ा है या दोस्तों ने तोड़ा है वो हमें पता लग जाएगा। वैसे जो गाने के बोल है ना उसमें घर वालों का और दोस्तों का कहीं जिक्र तो है नहीं लड़की का जिक्र है इट मीन्स कि लड़की ने ही दिल तोड़ा है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिषेक जी आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ यू स्टार्ट दिस वेंचर है ना कि होता है कि किस तरह से आपको लगा कि यार मुझे हरियाणवी इंडस्ट्री में इस लाइन में जाना चाहिए वो क्या रीजन था उसके पीछे? इसके पीछे ना रीजन बहुत बड़ा है। हम ना कॉलेज में थे okay. हम क्या देखते थे कि कुछ लोग जो हैं टीचरों के साथ घूम रहे हैं इधर उधर घूम रहे हैं उन्हीं को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी काम में। मतलब हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी कहीं भी। तो फिर मैं थोड़ा बाहर आया कॉलेज से फिर मैंने देखा कि यार बाहर भी जगह नहीं है हमारे लिए तो कोई लेवल हमें काम देने के लिए तैयार नहीं है कोई डायरेक्टर हमें काम देने के लिए तैयार नहीं है रेडियो पे कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा क्यों यार खुद का ही स्टार्ट कर ले है ना किसी और के नीचे काम करके क्या फायदा खुद का ही शुरू कर लो। तो फिर मेरे को पैर ही मिला उस टाइम पे इसी के साथ शुरुआत हुई थी। आपने कहा फिर पैसे लेते हैं पापा से और काम शुरू करते हैं जी ऐसा ही देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है किसी भी स्टार्टअप में? हाँ। फैमिली से फ्रेंड से फैमिली या फ्रेंड से बिल्कुल। तो आपके फैमिली से आई या फ्रेंड से आई? मेरी फैमिली से आई। फैमिली से आई फ्रेंड से भी आ रही है। अच्छा वो लेटर होना आ जाती है जब थोड़ा सा सक्सेस धीरे धीरे फिर दोस्तों को लगने लगता है यार चल हम भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लेते हैं ना हम भी क्या पता ग्रोथ कर जाए। नहीं मेरी तो टोटली फ्रेंड से आई मेरी तो टोटली फ्रेंड्स से आई है फैमिली से कुछ नहीं। आपके पास तो सारे कला ही ऐसी है ना जो अच्छा गा सकता है उसके लिए तो फिर आगे पीछे लोग घूमते ही है ना। ये वैसे वाली बात कह रहा था कि आज ने अभिषेक आते हैं मेरे पास जितना गुड़ गिरेंगे उतना मीठा होगा तू भी आ जा। अच्छा ये कह रहे कि पैसे को पैसा खींचता है जल्दी से आ जा। हाँ। हाँ। बड़ा अच्छा से कॉलेज टाइम की बातें बताई और बड़े अच्छे से इन्होंने बोतल में उतार लिया और मजबूर कर दिया पैसे फेंकने को है। चलो एक चीज वीरू जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिंदगी में ना जब स्टार्ट लेते हैं वो बड़ा टफ टाइम होता है। जब आपकी सिंगिंग की शुरुआत हुई आपने बताया कि आप मींस राजस्थान से आते हैं है ना एक तो हमें ये बताएं हमारे दर्शकों की राजस्थान में आप कहां से हैं आपका थोड़ा एजुकेशन हमें बता दीजिए और आप ने स्टार्टअप कैसे लिया मींस शुरुआत कैसे हुई वो जरूर बताएं दर्शकों। राजस्थान से मैं सर जिला हनुमानगढ़ मेरा शहर है पीली बंगा वहां से हूं और करीब 2016 के अंदर मैं इधर आया था। ओके तो किधर मींस हरियाणा में? नहीं चंडीगढ़ में। अच्छा चंडीगढ़ आए थे आप? ओके तो काफी टाइम इधर लगे रहे काम भी करते रहे और स्टार्टअप कोई बन नहीं रहा था तो ऐसे करते कराते मेरी मुलाकात हुई अभिषेक भाई से एड्री भाई से पैरी भाई से। तो मैं लिखता था उस टाइम गाने का नहीं था इतना। आप राइटर थे शुरुआत में? आपने राइटर से शुरुआत? हाँ एज अ राइटर शुरुआत करी। तो अभिषेक भाई ने और इनका फोन आया मेरे को कि आप एक डायरेक्टर के थ्रू मिला था मैं इनको तो इन्होंने सुना उस टाइम मेरे को उस टाइम तो इन्होंने इतना नहीं दिया रिस्पांस लेकिन उसके बाद ये कभी बैठे होंगे इकट्ठे तो इनको रिस्पांस आया कि यार ख्याल आया कि बुलाते हैं तो इन्होंने मेरे को बुलाया रात को करीब कितने बजे 3 बजे का टाइम था 3:30 बजे का तीनों ही थे आप है ना एड्री भाई और आप और पैरी। तो मैं गया फिर उन्होंने गाने सुने बोलता यार इसको लेके करते हैं तब भी एज अ राइटर ही था मैं चलो अभी करते हैं ऐसे करते कराते थोड़ा टाइम बीता हेलो हाउ जाओ होने लगी थोड़ी बहुत है ना यारी दोस्ती बढ़ने लगी। तो बीच में वो पुलवामा अटैक करके कोई एक हुआ था जब अपने 44-45 फौजी ब्लास्ट हो गए थे एकदम तो उस टाइम अभिषेक भाई ने मेरे को बोला कि यार इस पर कुछ लिख तो उस टाइम मैंने उस पर फिर लिखा और वो किसी सिंगर से करवाना था हमें तो एट अ टाइम कोई मिला नहीं इन्होंने बोला कि तू डब कर दे मैंने डब कर दिया तो
उन्होंने खुद के चैनल से ही वो एडिट करके डाल दिया और सुबह तक तो उसका सीन तकड़े वाला घूम गया। ओके तो वहां से फिर ये शुरुआत हो गया। ओके तो फैमिली का रिस्पांस क्या था? मींस ये होता है ना कि जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं जैसे लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करने लगता है ना फैमिली, कहीं ना कहीं ये भी होता है फैमिली को कि यार इस लाइन में जाएगा पता नहीं ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एक अच्छी जॉब ले ले या बिजनेस कर ले, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? सर फैमिली मेरी पूरी सपोर्टिव है इस चीज को लेके, फैमिली ने खासतौर से मम्मी पापा और भाई सिस्टर ये सब मतलब प्रॉपर सपोर्टिव है मेरी फैमिली में कि नहीं यार तुझे करना है तो कर। शुरू शुरू में था कि एक बार कि भाई तू स्टडी कर रहा है साथ में काम कर रहा है तू अपनी कोई जॉब देख ले, ये काम पार नहीं पड़ेंगे बिकॉज पैसे के बिना। तो मैंने इसमें इट्स अ गेम ऑफ रिच किड, ऐसे अगर अपन सिंपली भाषा में गए। हाँ तो उस टाइम फिर इतना नहीं था, फिर मैंने ये भी बोला कि मैं जॉब करूंगा वहाँ कर लूंगा मेरा शौक है करने, तो पापा बोले कि चल देख ले बेटा करना है तो, मतलब फैमिली प्रॉपर सपोर्टिव रही है। और बॉर्डर के बाद तो उन्होंने बोल ही दिया था कि जो करना है कर, अभी शादी के लिए भी पहले करते थे कि नहीं शादी फिर अब आप लव मैरिज करोगे या अरेंज? नहीं अभी तो कोई प्लान नहीं है, कोई पता नहीं है, फर्स्ट तो अरेंज ही है। फर्स्ट अरेंज है मतलब दो करनी है? एक्स्ट्रा मैरिज तो नहीं करने के लिए? नहीं नहीं ऐसे बोल रहा कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपका अरेंज मैरिज का ही है। चलिए आप कुछ कह रहे थे इनके बारे में। हाँ मैं ये कह रहा था कि जब हमने बॉर्डर गाना किया था तो मुझे तो पता भी नहीं था और इन्होंने रात को डाल दिया, सुबह मेरा नाम पता था, मुझे भी नहीं था, मैंने डब किया था पर मतलब वीरू को भी नहीं पता था। इन्होंने गाना जैसे ही इसने डब किया एडिट किया और अभिषेक भाई को एडिटिंग भी बड़ी अच्छी आती है तो ये अच्छा तो ये एडिटर भी है ना? ये मैं कह सकता हूँ अभिषेक भाई एक है ना वो मिक्स वेज बनाते हैं वो है मिक्स ऑफ जंक ऑफ ऑल थिंग्स है ना, मिक्स जंक सा वो। तो इस हिसाब से वीडियो भी नहीं था, फोटो के लिए ले गए थे छत पे मेरे को, ऊपर बोलता है फोटो खींचनी है तो कैमरे ले गए, फोन था कैमरे फोन पे थी कैमरा था हाँ तो हाँ छोटा कैमरा, तो खड़े खड़े बोलता कि यार मतलब गाना गुनगुनाता रहा मोबाइल में जेब में डाल के गुनाता रहा, मैंने से पोस्टर ही लेगा तो इन्होंने लिया जैसे भी कर कर आके, मैंने बोला कि यार थोड़ा सा ना ऑडियो की थोड़ी एक दो चीज़ें मैंने सेलेक्ट करनी, बोला बेटा गाना चेक कर यूट्यूब पे डाल दिया। मैंने कहा यार ये क्या करे, सुबह तक तो वायरल था वायरल वो बड़ा मतलब नाम डाला हुआ था उसके बाद न्यूज़ वगैरह पे पैडलर मीडिया का अपने मेरे वाला नाम डाला हुआ था। अब वो पीटीसी पंजाबी जो चैनल है उनके एडिटर इन चीफ वो मेरे काफी नोन थे, मैं जर्नलिज्म में रहा था तो उन्होंने देखा नाम मेरा न्यूज 18 सर देखा रातों रात में मतलब वो जो आंकड़ा था ना वो मैं कह सकता हूँ हमारी पूरी टीम के लिए ना एक शॉक था पूरा, रात में 100 एक बूस्टअप भी हो जाता है बंदा देख के ना कि अब तो चैनल पे ना कोई सब्सक्राइबर थे ये लगा लो 1000 सब्सक्राइबर और 2-2.5 लाख व्यूज जा रहे गाने, तो फिर मैं कहा सर ऐसा चलो मैं पूछता हूँ हमने किया या नहीं, सर कहते कि आते हैं तो फिर वहाँ पे वीरू भाई का इंटरव्यू वगैरह लिया और फिर तब से तो मतलब ये हो गया कि चलो अब साथ में मिलके कुछ ना कुछ तो करना ही है, तब से लगे हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, कहां से धमकियां बहुत आ रही थी उसको चलो बहुत धमकी, आप फेमस हो गए ना पाकिस्तान में फेमस हो गए ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज और बताएं वीरू भाई कि हरियाणवी इंडस्ट्री ना अभी आप देख रहे हैं रिसेंट 2-3-5 सालों में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में आई विश कि बहुत ज्यादा ग्रो करे, तो आप क्या देखते हो मीन्स आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं तो उनको किस तरह के गाने करने चाहिए मीन्स अभी? लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हम लोग ना एक ही लीग पे चलते हैं, मान लो हमारा हरियाणा इंडस्ट्री में अगर एक गाना हिट होता है फिर उसी थीम पर ही सारे गाने बनते हैं, वही वर्डिंग होती है या एक वर्ड उठा लेंगे उसी वर्ड पे बहुत सारे गाने बनते रहते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? सर मेरा तो देखो ये है कि हर एक फील के गाने करो जिसमें रोमांटिक भी है सैड भी है और अर्बन भी हो, मतलब ऑडियंस हर प्रकार की है, जैसे बुजुर्ग बैठे हैं तो उनको पारिवारिक गाने अच्छे लगेंगे ठीक है जो अच्छा मैसेज देते हैं, बाकी जैसी ऑडियंस है अपने हिसाब से एक अच्छा कंटेंट दो, ऐसा मत दो कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे। और हरियाणा में तो बहुत जल्दी ये चीज़ होती है कि हरियाणा में कैच बड़ा जल्दी होता है। हाँ और अगर आप गलत मैसेज दे रहे हो या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी के दिल को ठेस पहुंचा रही है तो वो तो कहीं ना कहीं गलत है, चाहे वो एक आदमी के दिल को दे रही है या प्रॉपर सबको दे रही है ना, तो वो है कि ये कंटेंट सारी हर तरह के करो बट ऐसा कि कोई तुम्हें ये ना बोले कि भाई ये क्या कर रखा है। चलिए एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी सारे गाने अब तो कर लिए हैं जैसे बॉर्डर से आपने शुरुआत करी अब नकली प्यार तक आप पहुँच गए हैं, तो इन बिटवीन जो भी आपका सफ़र रहा उसमें आपने जितने भी गाने किए उसमें से आपका फेवरेट वाला गाना कौन सा है? बॉर्डर। अच्छा बॉर्डर, यानी जहाँ से शुरुआत हुई वो गाना भी वो मेरा फेवरेट ही है। चलिए तो दो लाइन्स हमारे दर्शकों को उस गाने की सुनाएं। हो गल कर दें क्यों नित कश्मीर दी,
ਹੁਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂਗ ਛੇੜੇ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਿੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੁਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂਗ ਛੇੜੇ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਲਿਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਲਿਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। चलिए ये गाना जब आपने गाया आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन कोई ऐसा मोमेंट इस गाने के बाद जब आपने अगला गाना किया होगा अपना तो उसके बाद लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया आपको, कभी ऐसा हुआ है? कोई फैन मोमेंट हुई हो, आप कहीं गए हो तो लोगों ने कहा हो यार ये तो वही वाला लड़का जिसने ये गाना गाया था, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? सर इस गाने के रिगार्डिंग एक चीज थी, क्योंकि उस टाइम ना टिकटॉक आया था तो मैं तो टिकटॉक यूज भी नहीं करता था ना ही अपने कोई बंदे करते थे ना, तो मेरे को एक बंदे ने फेसबुक पे कुछ टैग करके भेजा, बोलता वीरू भाई आप टिकटॉक चलाते हो, मैंने कहा नहीं भाई, तो क्योंकि ये गाना जो बॉर्डर था एक के बाद एक झटका था कि इधर डाला हुआ इतना ये वो, तो मैंने भाई खोला तो उसने बोला कि टिकटॉक डाउनलोड करो, तो मैंने डाउनलोड करके आईडी बनाई, बोलता भाई ये लिंक खोलना आप जाके, मैंने खोला और मैंने जब देखा टिकटॉक पे तो इस गाने के ऊपर 1.5 मिलियन वीडियो बन रखी थी। ओके मैं भाई इनको सबको भेजे सात के लिंक, मैंने कहा ये देखो, देख के शॉक्ड, मैं कह इतनी वीडियो तो देख भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो जब मैंने इसके अंदर खोला कमेंट पड़े तो किसी को नहीं पता ये गाना किसका है, लड़ाई हो रही रंजीत बाबे को लेके। अच्छा। ये कोई बोल रंजीत बाबे का, मतलब 90% यही बोल रहे थे। फिर मैंने उसको वो ऐसा तो नहीं कही कि आपकी वॉइस थोड़ी सी उनके साथ रिजेंबल करती है इसलिए लोगों को लगा? हाँ शायद उस गाने में लग रहा है वैसा फील देता है, तो इसलिए ये चीज मेरे लिए था कि यार मेरा गाना और किसी को पता भी नहीं। फिर जब ये मेरी साइड मैंने भेजे लिंक वगैरह तब उन्होंने अंदर बताया कि भाई इस बंदे का गाना है और ये सीन है। चलो एक चीज़ अभिषेक सर आपसे जानना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में मैंने देखा कि थोड़ा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, अब एक रोज़ एक के बाद एक अच्छे गाने आ रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, इवन अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस लाइन में आ गई हैं, तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए अभी तो हम बेसिकली स्टार्टिंग ही हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेशन नहीं आती जब आपको लगता है यार इतनी बड़ी? ओके एक्सपेरिमेंटल टाइप बंदा हूँ। ओके मैं एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता हूँ हर चीज के साथ। okay. अगर देखिए आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, आपने कुछ नया बना दिया तो लोग बोलेंगे हाँ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी ना कभी सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, अभी देखिए एडिसन ने भी 1000 बार उसने एक्सपेरिमेंट किए तब जाके वो सक्सेसफुल हुआ था, तो हमारे भी 1000 कहीं ना कहीं, एक तो सक्सेसफुल होगा 1000 एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो मेरा ये रहता है कि थोड़ा मैं कुछ ना कुछ नया करता रहूं हर चीज के साथ। ओके तो आने वाले प्रोजेक्ट आपके क्या है? आने वाले प्रोजेक्ट हमारी मैं बता देता हूँ आपको, वैसे किसी को बताया नहीं है। चलो बताई दो बैठे बेगम, तो हमारी एल्बम आ रही है। ओके बेगम एल्बम किसके साथ आ रही है? वो आर्टिस्ट हमारी खुद की बॉन्ड है। ओके बच्ची है छोटी सी। अच्छा जी, बहुत बहुत लाजवाब सिंगर है। ओके लाजवाब सिंगर है। ओके 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 जी, और उसके बाद एक वेब सीरीज आ रही है अपनी, फिर एक अपना भी शो शुरू होने वाला है थोड़ा, एक उसका भी है, और वीरू के तो गाने हैं बैक टू बैक अपने पास। चलिए वीरू जी, इस इंडस्ट्री में आपने भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़ा फेम है लोगों के पास, बहुत नाम है, तो कोई ऐसा इंसान जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, आपको लगता हो यार इस हरियाणवी इंडस्ट्री में इसकी तरह मुझे अपना फेम या नेम लेना है, कोई ऐसा इंसान हरियाणवी इंडस्ट्री में? तो एज अ वोकल के आधार पे या ओवरऑल आपको किसी के हो सकता है, किसी आपको लगता हो कि इस इंसान में ये अच्छी चीज़ है या इस इंसान का ये फेम बहुत ज़्यादा है, तो आप किसको एडमायर करते हैं? चलो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किसको आप फॉलो करते हैं इस इंडस्ट्री में या किसको एडमायर करते हैं, आपको लगता है कि ये बंदा बेस्ट है इस इंडस्ट्री में? मैं जी, मेरे को तो वैसे राज मावर भाई अच्छे लगते हैं। राज मावर जी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, उनका स्टाइल गाने का जो मतलब हटके है, एक यूनिक है, तो दमदार सिंगर हैं फाड़ू आवाज वाले, तो मेरे को मतलब जिनकी आवाज़ एक तो स्टूडियो में गाना अलग बात है ट्यूनर में, लेकिन लाइव में जब बंदा खड़ा होता है, और एक राजू पंजाबी भाई वो अभी धमाल है, तो मेरे को वही आर्टिस्ट बढ़िया लगता है जो स्टूडियो के अंदर भी वैसा और ऑन स्टेज भी बहुत अच्छा परफॉर्म। हाँ जो लाइव में। हाँ जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि पर्सनली जब वीरू घर पे होते हैं मींस तब वो किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? सारा जी म्यूजिक नहीं, फिर भी एक मूड होता है बंदे का कि रात को बंदे का किसी और तरह का मूड है ना, कभी ख्यालात में खो जाता है, सैड सॉन्ग खोल दो गानी दे मन के सुनते नहीं, फिर भी कौन से सुनते हो आप? सारी मतलब नहीं, वैसे इन्होंने बता दिया गानी दे मन के सुनते हो आप, इसका फेवरेट है वो। अच्छा कभी कभी तो रो भी देता है मैंने सुन के नहीं, चलिए अच्छी बात है, रोना भी अच्छी बात है, इंसान को रोना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे दिल तो हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है, और इतना कितना भारी दिल है 8 साल हो गए।
और ये लिखते भी हैं, और ये लिखते भी हैं तो फिर अच्छी अच्छी चीजें भी बाहर आती होंगी ना। एक और चीज जानना चाहूंगा वीरू जी कि जिंदगी में हर इंसान चाहता है कि ही वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, है ना। हर इंसान चाहता है कि वो टॉरिंग हाइट्स को टच कर ले, कुछ सक्सेसफुल हो जाए। तो आप क्या अपनी जिंदगी को देखते हो, मीन्स आप कहाँ तक जाना चाहते हो, कौन से मुकाम को छूना चाहते हो, मीन्स पंजाब इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड, या कुछ ऐसा सोचा नहीं? ऐसा कुछ ना कुछ ख्याल तो होंगे आपके जहन में? नहीं सर, मतलब ऐसा सोचा कुछ भी नहीं है कि मेरे को वहाँ तक जाना है या मेरे को हॉलीवुड में जाना है या बॉलीवुड में। मतलब ये है कि अपना नाम हो, जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल मिल जाए कि हाँ यार ये बंदे ने स्टार्टअप किया था और आज किसी मुकाम पे, ऐसा ना हो कि जहाँ से शुरू हुए हैं वहीं पे चले जाएं, वैसे नहीं रुले ना, क्योंकि जितनी मेहनत है कि लोग मींस आपको पहचाने, रिकॉग्नाइज करें, आपके काम की तारीफ करें। चलिए एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि अगर हम बात करें वीरू की पर्सनल हॉबीज की, है ना, भी इंसान को कोई ना कोई हॉबीज जरूर होती है, है ना, किसी को क्या हॉबीज होती है, किसी की क्या होती है, तो आपकी हॉबीज क्या है? ये दोनों लोग हंस रहे हैं, मुझे लगता है बताएंगे कुछ आपके बारे में। यही तो बातें हैं, अब इनके साथ शुरू हो। अच्छा फिर मैं ऐसा करता हूँ, आपसे पूछते, इनसे ही पूछ लेते हैं। सर आप बताओ इनकी हॉबीज क्या है? नहीं आप बता दो। ये पता है पीछे से वो गाना सुना हुआ ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, तो कमी फ्रेंड बिठा रखे तो कमीने बंद तो करेंगे। नहीं फिर भी कुछ तो होगा आपको इनको इनकी हॉबीज के बारे में पता होगा। जो टीवी पे हम खोल तो बक्से को बंद ही रहने दो। नहीं फिर भी कुछ तो होता होगा, ये खुद बता दे। अच्छी खेलता है बास्केटबॉल। चलो बताइए, आप बताइए, आप बता दीजिए। ये क्रिकेट में गिल्ली डंडे वाली गेंद भी अच्छी फेंकते। नहीं बताइए प्लीज। ये सर मेरे को ज्यादातर तो म्यूजिक सुनना ही बढ़िया लगता। अच्छा, ज्यादा म्यूजिक सुनना बढ़िया लगता। अगर हाँ कहीं जा रहे हैं तो भी एयरफोन लगा के। नहीं, खाली टाइम घर पे जब होते हो तो बस म्यूजिक सुनते हो? खाली टाइम तो होते नहीं सर, हम 24 घंटे कुछ ना कुछ कांड कर ही रहे होते हैं। ये हरियाणा वालों की ये बड़ी खास बात है ना, कांड काम नहीं कहना, कांड ही कहना है सीधा। चलो एक चीज आपसे अब बातें हो रही हैं तो और भी चीजें जान लेता हूँ मैं। अगर अभिषेक जी आपसे पूछूं तो हरियाणवी इंडस्ट्री में आपका फेवरेट कोई एक इंसान? जी, अच्छे लोग जैसे हर्ष गहलोत भाई हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, अच्छा पर्सनैलिटी अच्छी है उनकी, पर्सनली भी बहुत अच्छे इंसान है, हर टाइम सपोर्ट करते। एक बार हम फंस गए थे गाने में, गढ़ जानी एक प्रोजेक्ट कर रहे थे हम, तो जो हमारे सिंगर साहब थे उन्होंने मतलब किन्हीं कारणों से वो आ नहीं पाए, तो हमारा शूट डन हो गया था, डेट्स फाइनल हो गई थी, पेमेंट सारी चली गई थी। अब ये था ऑन स्पॉट, हमने रात को किसी कोई ना कोई मॉडल चाहिए जो हरियाणा का एक फेस भी हो उस टाइम, तो हमने हर्ष भाई का कॉन्टेक्ट निकाला, उनको कॉल किया। काफी फंसे हुए थे वो, फिर भी अगले दिन आए हैं, और दिल्ली में दंगे हो रहे थे उस दिन। जी वो रात को आए हैं अगले दिन। ओके, तो आपके हिसाब से वो एक अच्छे इंसान है आपकी मदद के लिए? ठीक, आपके हिसाब से? मैं थोड़ा ना वैसे देसी सा आदमी, तो देसी लोग भी बड़े हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में, भरे पड़े हैं। नहीं नहीं, पर मैं मतलब नए म्यूजिक को ना मतलब अगर सुनता भी हूँ तो वो जो अपनी पुरानी रागनी होती है ना, उनको मैं ज्यादा सुनना पसंद करता हूँ। अपनी खरकिया जी हो गई, तो उनकी रागनियाँ होगी, और फौजी करम जी आपने सुना? हाँ, फौजी करम जी हो गए, और अपने एक राकेश जी, राजेश सिंह पुरिया भी थे। मैं मतलब थोड़ा उनके पुराने टाइप के जो गाने होते हैं ना, लाल पिलूरा, तो आपके हिसाब से वो आपके फेवरेट वंस हैं। हाँ, आप उनको सुनना बार बार पसंद करते हैं? बार बार, क्योंकि वो ना ऐसा लगता है जब भी मैं उनको अब भी सुनता हूँ तो जैसे बचपन में हमको गाना सुनते नया लिफाफा का एल्बम आ रही है, वो चीजें मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो मैं उनको वैसे नया म्यूजिक भी सुनते हैं, और वीरू भाई काफी हेल्प करते थे, म्यूजिक भी सीख रहे हैं आजकल। अरे यार ये जी, सब चीजें कर लो यार। अरे यार ये जी मत करो, लोगों का काम और भी है सर, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर को करने दो यार। नहीं सारे काम खुद, मैं तो सर बाकी लोग क्या करें, कंपोजिशन के लिए सीख रहा हूँ कि कंपोजिशन नहीं निकले। नहीं बाद में फिर आपने इनको कहना कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, इनको सौखा हो जाएगा ना फिर। पर मैं कंपोजिशन जस्ट की एक नई कंपोजिशन निकले। बात आपको बता दूं, ज्यादा चीजें करोगे पैसे उतने, ये भी बात है, इसलिए ज्यादा चीजें मत सीखिए, वही चीज करिए जो अच्छी लगे। नहीं कंपोजिशन सर अच्छी निकले इसलिए थोड़ा हो जाता है यार, सीखिए कोई देख ले लाइव एग्जांपल बैठा हुआ। हाँ, सब कुछ ही कर रहे हैं। अच्छा नहीं, वो देखिए उन्होंने तो पैसा लगाया है उनको तो करना मजबूरी है, आपको तो मिलने हैं ना, ये भी बात है, है ना, मिलते नहीं है। अच्छा अभी भाईचारे में चल रहा है काम? देते ही नहीं है, अगर एक पता नहीं एक बात सी बोलते हैं देते हैं सर, देते हैं, मजाक कर रहे हैं, देते हैं देते हैं। ये दोस्तों को ही कहा जा सकता है ना कि डूबे खाते में लिख। नहीं मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि ये दे देंगे, पर दे रहे हैं अब दे रहे हैं अब दे रहे हैं।
चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप चलो, अगर फेवरेट टाइम पास की अगर हमने बात कर ली है कि जैसे आप करें कि आपको म्यूजिक सुनना पसंद है या मींस ज्यादातर आप घर पे ही रहते हैं, आपको कहते हैं बिजी रहते हो काम में, जब भी किसी आप शूट पर बाहर गए तो कभी ऐसा हुआ कोई फैन आपको मिल गया हो, है ना, किसी ने आपको पहचान लिया हो यार ये वही इंसान है जिसके इतने अच्छे अच्छे गाने आ चुके हैं, जैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने किए हैं प्रांजल दैया के साथ भी आपके गाने आ चुके हैं, तो अब तो ऐसा कभी हुआ, ऐसा कोई मूवमेंट आया जब कभी लोगों ने कहा जी ऑटोग्राफ दो आपके? नहीं सर, ऐसे तो नहीं हुआ, बट ऐसा जरूर हुआ है जो मैंने पहले आपको गाने वो तो आपने पहले बता दिया। ओके, ऐसा कोई शख्स नहीं मिला आपको भी मींस जो भागकर आपके पास आया और आपको पहचाना होगी यार ये तो वही हैं वीरू जी हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने किए हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी ऐसा मौका नहीं आया। नहीं नहीं सर। चलो, जब ये कह रहे हैं कि जब पहचानने लग जाए लोग तो हमारे को भूल मत जाना, है ना। जब वो अभी आया नहीं तो हम कैसे उसको कह देंगे आया है? नहीं नहीं, अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे वीरू, बिकॉज आपको सच्ची बताऊं कि जो इंसान दिल के सच्चे होते हैं ना तो भगवान उनको कभी ना कभी सक्सेस जरूर देता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि अब कभी आप मौका मिला, कभी हम दोबारा इकट्ठे हुए तो डेफिनेटली तब आप मुझे ये बात जरूर बताओगे कि मेरे से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऑटोग्राफ लिया, है ना। चलो इंशाल्लाह वो दिन आए। हाँ, तो आपका फिर फर्स्ट फैन मोमेंट्स वहां पे आ जाएंगे। तो चलिए गाइस, वैसे तो अब हमारा जाने का टाइम हो गया लेकिन जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन कई बार पता क्या होता है घड़ी की टिकट यही कहती है कि अब तो हमें जाना पड़ेगा। और जाते जाते मैं, पैरी जी आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वीरू भाई के गाने को और आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी करें, क्योंकि जब यूथ कोई चीज करना चाह रहा होता है तो साथ होगा तो तभी वो उसमें मोटिवेशन मिलती है। दूसरा, हमने मिलके एक वेबसाइट स्टार्ट करी है paddlermedia.in, और आपने भी देखा होगा हरियाणवी आर्टिस्ट की न्यूज गैदर करना कितना मुश्किल है बिल्कुल। तो हमने हरियाणा का पहला ये कह सकते हैं एंटरटेनमेंट पोर्टल है जहाँ पे हम हरियाणवी आर्टिस्ट की न्यूज पब्लिश करते हैं, तो और रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल रहा है, 1 million समथिंग विजिट्स मिल जाते हैं पर मंथ। ओके, दैट्स गुड। तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट करें जी, और जी। बाकी ये तो मेरा खुद का प्रमोशन वीरू भाई के गाने को, आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक ना मोटिवेशन मिलती है। हाँ, मोटिवेशन बिल्कुल। अगर आपको कोई भी हल्का सा तारीफ भी करे तो आपको अच्छा लगता है कि यार हमारी शायद मेहनत जो कर रहे हैं वो रंग ला रही है। जी अभिषेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम तो यही कहना चाहेंगे प्लीज ब्राइट लाइट प्रोडक्शन के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बहुत पैसे लग रहे हैं भाई, मतलब बिक गया सब कुछ एक हिसाब से। भाई की जो नीचे गाड़ी खड़ी है उसको पीछे बात नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं। अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, ठीक है, उस पे काफी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं और भी अच्छे अच्छे गाने लेके आ जी। हाँ, वेब सीरीज भी आ रही हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं। जो वेब सीरीज है, मैं आपके शो पे ये मतलब एक होता ना कि खुद के दिल में ये बात, जो वो वेब सीरीज आ रही है वो ऐसी वेब सीरीज VFX के साथ। ओके, चलो आई विश कि आपको अच्छा हो जाए और हमारे हरियाणा बीट्स पे भी आपको उस वेब सीरीज में हम जरूर, नहीं हम जरूर बुलाएंगे, जरूर दिखाएंगे, आपका प्रोमोस भी हम लोग चलाएंगे, हमारे बंदों को भी इसमें काम दे देना बस आप। चलिए वीरू जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को और एक अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी जरूर बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल के माध्यम की अगर गाना नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज जाके गाने को देखें, ब्राइट लाइट प्रोडक्शन के गाना मैं अभी दिखा दूंगा सबको, टेंशन मत लीजिए। नहीं, वहाँ पे भी जाके देखें। हाँ, वहाँ पे भी देख लो यार, सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, व्यू भी बढ़ेगा ना। कमेंट करके जरूर बताएं वहाँ पे भी, क्योंकि और कैसा बना उसमें, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या चीज आपको सही नहीं लगी और क्या चीज बहुत बढ़िया लगी, वो हमको जरूर बताएं। दोनों चीजें बता दें ताकि हमें जो कमियां होती है ना वो भी इंसान को पता होनी चाहिए कि आगे से हम नेक्स्ट टाइम उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। और जो इसके बाद आने वाले प्रोजेक्ट हैं तो वो अभी चल रहे हैं, रेडी हैं, अभी नाम तो मैं पाजी बताएंगे। चलो ये नाम नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, हम इनको पकड़ पकड़ कर लाएंगे, आपको सारे प्रोजेक्ट दिखा देंगे। तो चलिए गाइज, अब मुझे दीजिए इजाजत और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए स्टार्स के साथ, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा म्यूजिक।